दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप अपने मोबाइल फोन में फोन पे एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं, फोन पे एप्लीकेशन में एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, फोन पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंदर हम आपको आसान तरीके से समझाने वाले हैं कि आखिरकार फोन पे एप्लीकेशन कैसे आप चालू करेंगे, इसमें अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैंक कैसे जोड़ेंगे, UPI पिन कैसे बनाएंगे, अपना बैलेंस कैसे चेक करेंगे और अपना UPI ID कैसे देखेंगे, मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, मोबाइल रिचार्ज कैसे किया जाता है, सब कुछ आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे फ़ोन पे एप्लीकेशन, तो आपको एक नया अकाउंट बनाने का ₹50 का कैशबैक मिलेगा। जब आप यहां पर पहला पेमेंट करेंगे या आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो आपको ₹50 का कैशबैक मिल जाएगा। तो आपको यहां पर लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, आपके सामने प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। अब आपको यहां पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है और फोन पे एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन में अब आपको यहां से डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, अभी हमारा फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारा फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर हमारा फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। तो थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे, इंस्टॉल हो गया है। अब आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आपके बैंक से लिंक हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर फिलअप करें और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से आपका फ़ोन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा व्हेन यूजिंग दिस ऐप, अब आप इस पर क्लिक करके इसकी परमिशन को अलाउ करें। जैसे आप परमिशन अलाउ कर देंगे इस तरीके से आपके सामने फ़ोन पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। जब आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा तब आप पैसे कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐड अकाउंट बैलेंस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको चेक बैंक बैलेंस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आपको ये विकल्प मिल जाता है ऐड बैंक का, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी आपका बैंक अकाउंट हो आपको अपना बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपका एक SMS वेरिफिकेशन होगा, ये परमिशन आप चालू कर दीजिए। चालू करने के बाद थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, कम से कम 40 से 50 सेकेंड का, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट फाइंड होगा। फाइंड होने के बाद यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ सेकेंड का इंतजार करेंगे, हमारा जो बैंक है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको मिलेगा एक सेट UPI पिन का ऑप्शन, तो आप अपना UPI पिन सेट कर लीजिए। UPI पिन कैसे सेट किया जाता है इस पर मैंने अभी कल ही वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बाद में उसे चेकआउट कर लेना, क्योंकि UPI पिन बहुत ही आसान बनाना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अपने ATM कार्ड का आखिरी का 6 अंक डालेंगे, यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड का वैलिडेट जो है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो बैंक से एक OTP आएगा, वो OTP आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। जब आपका ऑटोमेटिक जो OTP हो वो फिलअप हो जाए उसके बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाता है UPI पिन सेट करने का, फिर आपका एक नया UPI पिन बन जाएगा। तो हम यहाँ से इसे बैक कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसे बना के रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर डन बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने बैंक ऐड हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर अपना बैलेंस देखना चाहते हैं तो बैलेंस देखने के लिए आपको चेक बैलेंस पर क्लिक करना होगा। आपके सामने बैंक आ जाएगा, अपने बैंक पर क्लिक करेंगे, जो आपने UPI पिन सेट किया है अपना UPI पिन आप यहां पर डाल देंगे। उसके बाद यहां पर मिलेगा राइट बटन, अब आप राइट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमारे पास अब OTP आया हुआ है तो आप राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस यहां पर दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप यहां पर डन बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर अपना UPI ID आपको देखना है तो UPI ID आपका यहां पर दिखाई देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं माई UPI ID, तो यहां पर आपका UPI ID है। अगर आप इसे कहीं पर भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगर आप अपना QR कोड देखना चाहते हैं तो QR कोड के लिए आपको अपने ID पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ID पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने विकल्प निकल के आ जाएंगे, यहाँ पर मिलने का QR कोड, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ये QR कोड रहेगा, ये आपका UPI ID रहेगा। डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना सारा
डिटेल्स आप यहां से देख सकते हैं, क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी। अब बात करेंगे अगर आप किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पैसा ट्रांसफर करने का यहां पर आपको कुछ विकल्प दिखाई देगा। जैसे अभी आपको दिखा रहा होगा टू कॉन्टेस्ट, एक दिखा रहा है टू अकाउंट और एक दिखा रहा है सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है कि अगर आपके दो बैंक अकाउंट हैं और आपने यहां पर दोनों बैंक अकाउंट ऐड करके रखा है तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज सकते हैं पैसे, उसका मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। अब बात करेंगे अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं दूसरे के अकाउंट पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे टू कॉन्टेस्ट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे तो उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे हम इस नंबर पर भेजना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अमाउंट फिलअप करने का ऑप्शन, तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना अमाउंट डाल देंगे, जो भी आप अमाउंट भेजना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 10 रुपये सेंड करना चाहते हैं, तो मैंने 10 रुपये यहाँ पर फिलअप कर दिए। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा पे का बटन, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए और जिसे आप पैसा देना चाहते हैं उसका बैंकिंग नेम क्या है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ऐसे आपका कन्फर्म हो जाएगा कि आपके पैसे किस बैंक में जा रहे हैं, यानी कि किस अकाउंट में जा रहे हैं, तो उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये जो पैसे हम सेंड कर रहे हैं तो ये हम अपने ही बैंक दूसरे वाले में सेंड कर रहे हैं, तो हमारा ही नाम शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर आपको पे वाले बटन पर क्लिक करना है। पे वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका यूपीआई पिन देखने को मिलेगा, यानी कि अपना यूपीआई पिन डालने का विकल्प आ जाएगा। अपना यूपीआई पिन आप यहाँ पर डाल दीजिए, उसके बाद राइट बटन पर क्लिक करिए। जैसे आप राइट बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा कनेक्टिंग सिक्योरली, यानी कि अब आपके यहाँ पर पैसा 10 रुपये सेंड सक्सेसफुल हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये मैसेज आ चुका है और हमारे दूसरे भी फोन में हमारे पास एक मैसेज आ चुका है और हमारे पास एक ये मैसेज आया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसे हम यहाँ से कट करेंगे, इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद डन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपका पैसा सेंड हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी को भी पैसा सेंड कर पाएंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगा और आपके पास सारे के सारे मैसेज भी आ जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं आपके ईमेल आईडी पर आपके मैसेज एप्लीकेशन में। अब बात करेंगे अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा, मोबाइल रिचार्ज बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप जिस मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आप यहां पर डालेंगे। डालने के बाद इस तरीके से वह मोबाइल नंबर ओपन हो जाएगा। कितने का आप रिचार्ज करना चाहते हैं यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए हमें यहां पर रिचार्ज करना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे 299 रुपये का, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से डिटेल्स आएगा और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इसका वैलिड डेट क्या है। जैसा कि यहाँ पर 28 दिन के लिए है और अनलिमिटेड कॉल है और 2 GB डेटा हमें पर डे मिलेगा, यानी कि रोज मिलेगा। चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा प्लान आप ले सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पे वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट आ जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने बैंक को चूज करेंगे, चूज करने के बाद यहाँ पर आपको पे वाले बटन पर क्लिक करना है, पिन डाल देंगे और आपका पैसा कट जाएगा और उस मोबाइल नंबर पर रिचार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा जानकारी के साथ बता दिया है। अब यहां से बैक आते हैं, बैक आने के बाद अब बताते हैं अगर आप बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करके यहां से आप बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं आशा करूंगा कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि फोन पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और हाँ, अगर आप किसी के QR कोड को स्कैन करके पैसा देना चाहते हैं तो यहां पर मिल जाता है आपको QR कोड का ऑप्शन, अब आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपसे कैमरे का परमिशन मांगेगा, इसे आप चालू कर देंगे, आपका कैमरा यहां पर ओपन हो जाएगा और अपने कैमरे से किसी का भी QR कोड आप स्कैन करके उसे पैसे दे पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। और आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही।